हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सुप्रीम मैक। तो आज मैं हूँ एमजी के शोरूम में आपको एक ब्रांड न्यू कार की फुल डिटेल रिव्यू एंड स्पेसिफिकेशंस बताने, जो कि है एमजी हेक्टर शार्प 2.0 डीजल टर्बो। तो गाइस, ये 2000 सीसी के इंजन के साथ आपको अवेलेबल हो जाती है। तो आज हम करेंगे इसकी फुल डिटेल रिव्यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द सुप्रीम मैक, वहां जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसका लेते हैं थोड़ा सा वॉकराउंड, और मैं आपको वॉकराउंड लेते लेते थोड़ी सी डिटेल्स इसकी और बता देता हूँ। तो वेरिएंट जैसे कि आपको पता चली गया है, एमजी हेक्टर शार्प 2.0। एंड इसके कलर की बात की जाए तो ये यहाँ पे हमें ऑरा सिल्वर कलर में अवेलेबल हो जाता है। तो गाइस इसमें आपको और भी कलर आ जाते हैं, जैसे कि कैंडी वाइट, रेड के दो कलर आ जाते हैं, बरगंडी रेड एंड ग्लेज्ड। एंड यहाँ पे आपको स्टेरिक ब्लैक कलर भी आ जाता है। इसमें आपको ब्लू कलर भी अवेलेबल हो जाता है, बट अभी फिलहाल ब्लू कलर यहाँ पे आता नहीं है। एंड गाइस प्राइसिंग की बात की जाए तो ये इसका टॉप मॉडल है, जो कि आपको 19 लाख के एक्सशोरूम प्राइस में पड़ता है। तो ऑन रोड प्राइस के लिए आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये रहा इसका आउटर लुक। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट पार्ट से एंड बात करें इसके हेडलाइट्स की। आते हैं ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, नीचे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, एंड फॉग लैम्प का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल हो जाता है। फ्रंट की बात की जाए तो ये रही इसकी फ्रंट की ग्रिल्स, बीच में आपको MG का लोगो देखने को मिल जाएगा, एंड आपको फ्रंट की ग्रिल्स में क्रोम का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको 2 यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो आगे की लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। तो जैसे कि देख सकते हैं इसके जो साइड के जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश लुक में आती है। एंड खास करके जो इसका कलर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मतलब की और बात की जाए, ये रहा इसका ORM, जो कि आपके बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है। बीच में आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जो कि 360 में आपको यूज़ होता है। एंड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर प्लस क्रोम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। पीछे की बात की जाए, मैं आपको पीछे का बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको MG का लोगो देखने को मिल जाएगा, ऊपर आपको रेयर वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एंड ये डिफॉगर का भी। ये रही इसकी हाई माउंट स्टॉप लैंप, एंड ऊपर आपको शॉक फिन एंटीना का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो टेललाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको LED टेललाइट्स देखने को मिल जाएंगी। तो टेललाइट्स की जो फिनिशिंग है, जो कि टेललाइट्स के लुक्स है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गाइस एज यूजुअल इंटरनेट इनसाइड अवेलेबल हो जाता है, जिसमें आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी इसकी वैलिडिटी। नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो करते हैं इसके बूट को ओपन। नीचे जैसे एक बटन है, जब उसको प्रेस करेंगे इसका बूट अपने आप ओपन हो जाएगा। एंड बात करें इसकी बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको 587 लीटर्स की बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको हुक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये रही इसकी लाइट्स। एंड पीछे की टायर की बात की जाए तो ये रही पीछे के टायर की एक्सेसरीज, तो यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये इसकी कुछ ट्रे है, यहाँ पे इसको बूट स्पेस बनाने के लिए आपको काम आती है। तो ये रहा इसका पीछे का लुक। तो गाइस इसके ओवरऑल लुक की बात की जाए, अगर इसकी बात करें लेंथ की, तो यहाँ पे हमें 4.6 मीटर की लेंथ देखने को मिल जाती है। विड्थ इसमें 1.8 मीटर की, एंड हाइट जो इसकी है कार की वो बहुत ज़्यादा 1.7 मीटर की है। व्हील बेस यहाँ पे आपको 2.7 मीटर का देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाती है। टायर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 18 इंचीज के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। एंड तो रेयर सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 7 इंडिपेंडेंट हेलिकल स्प्रिंग विद टॉर्शन भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको MacPherson स्टड विद स्टेबलाइजर बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपको यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बल्कि कार है, सीटर कार है, पीछे भी आपको 3 बंदे आराम से बैठ जाते हैं, एंड आगे भी एक बंदा आराम से कंफर्टेबली बैठता है। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कार है। गाइस ओपन कर दिया इसके इंजन मेरे को, एंड बात करें इसके इंजन की, तो यहाँ पे आपको 2000 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है विद 4 स्टैंडर्ड इनलाइन एंड 4 वेव्स। गाड़ी की पावर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 169 BHP की ये गाड़ी मैक्सिमम पावर दे देती है। एंड मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 350 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। एवरेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 17.41 किलोमीटर पर लीटर की जो एवरेज होती है वो कंपनी क्लेम करने को दे देती है। जब आप गाड़ी चलाएंगे देन ही आपको असली एवरेज का पता चलेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कवर्ड पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको MG टर्बो को बैचिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे इसके इंसुलेशन भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इंजन काफ़ी ज़्यादा कवर्ड है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका। तो ये रहा इसका आउटर लुक। अब चलते हैं कार के अंदर, मैं आपको अंदर की कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। गाइस बैठ गया मैं कार के अंदर, एंड जैसे कि देख सकते हैं आपको इसको जो स्टेयरिंग, उस पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जैसे कि देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एंड राइट हैंड साइड पे कॉल रिसीविंग, कॉल डिक्लाइन एंड वॉइस कमांड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा।
बीच में आपको MG का लोगो देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर की तो यहाँ पे आपको डिजिटल एंड एनालॉग दोनों देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन की जो वार्निंग होती है वो देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले टू एम्प्टी की फ्यूल लो फ्यूल लेवल वार्निंग एंड गियर इंडिकेटर इंडिकेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। शिफ्ट इंडिकेटर एज वेल एज यहाँ पे आपको जो टकोमीटर है वो आपको अनलॉक देखने को मिल जाता है। एंड गाइस सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ये रहा इसका पैसेंजर साइड का सन वाइजर, बीच में आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें आपको साइड पे लैंप्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये रहा ड्राइवर साइड का, ड्राइवर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें भी आपको यहाँ पे जो लैंप होगी वो भी देखने को मिल जाएंगी। ये रहा इसका IRVM, तो इसको भी आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको सनरूफ का कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो चाहे आप लाइट ओपन कर सकते हैं। एंड ये रहा सनरूफ का, तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सनरूफ भी अपने आप ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको सनरूफ पैनारोमिक देखने को मिल जाता है। तो ये रहा इसका पैनारोमिक सनरूफ। एंड साइड की बात की जाए तो ये रही इसकी बिग टच स्क्रीन, तो जैसे कि देख सकते हैं टच स्क्रीन पे मैं बाद पे आता हूँ। तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं आगे के। नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे टच स्क्रीन के कुछ कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे AC के भी, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का कंट्रोल है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। तो गाइज इसकी गियर नॉब की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लेदर रैप गियर नॉब नहीं देखने को मिलेगा। बट ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मैनुअल 6 गियर्स देखने को मिल जाते हैं। और साइड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग असिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। पीछे रही इसकी हैंड ब्रेक्स। एंड गाइज इसकी कीज़ की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रही इसकी कीज़, तो यहाँ पे आपको स्टाइलिश कीज़ देखने को मिल जाती है, पीछे MG का लोगो। एंड यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। एंड जो इसका यहाँ पे बॉटल होल्डर है तो यहाँ पे आपको ग्लो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेदर सीट्स देखने को मिल जाती हैं। जो पैसेंजर साइड सीट है वो आपको 4-way इलेक्ट्रिकल देखने को मिल जाएगी। एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको 6-way इलेक्ट्रिकल देखने को मिल जाएगी। पीछे की सीट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स देखने को मिल जाती हैं। ऊपर आपको हेडरेस्ट हर एक के साथ देखने को मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी चीज है। तो ये रहा इसका 360 व्यू। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी टच स्क्रीन की। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसका पहले AC का जो लेवल है वो थोड़ा कम कर देते हैं। Today's weather is sunny, 25.6 degrees Celsius in Dongguan. तो ये रही इसकी मेन स्क्रीन। एंड यहाँ पे आपको म्यूजिक नेविगेशन रेडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 4 एंड्रॉयड अपल एंड कारप्ले आपको यहाँ पे वाइड देखने को मिल जाते हैं। तो इसके और ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लॉक हुआ है, इसको अनलॉक करना पड़ेगा पहले। ये अगर तो अगर लॉक का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आपको यहाँ से लॉक हो जाता है। तो 360 कैमरा की अगर बात की जाए तो ये रहा इसका 360 कैम। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। बैक जाना तो यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा। एंड इसकी और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, वो भी मैं आपको वन बाय वन करके बता दूंगा बाद में। तो आई होप आपको इसका अंदर का मटेरियल पसंद आया होगा। जी हेक्टर शार्प 2.0 डीजल टर्बो का फुल डिटेल रिव्यू एंड इसकी स्पेसिफिकेशंस। आई होप आपको ये कार पसंद आई होगी। तो अगर कार रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी आपकी सिटी के हिसाब से बता दूंगा। तो गाइस ऐसे ही एक्साइटेड वीडियो के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सुप्रीम बैक, वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।